नमस्कार दोस्तों, मैं अमन संग्राल जम्मू कश्मीर के अखनूर कस्बे से एक बार स्वागत करता हूं दोबारा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की तारीख में हम चलेंगे शोआ देवी के मंदिर में, उनके दरबार में हाजिरी लगाने। तो मैं आपको अपने साथ इस दर्शन में अवश्य लेके चलूँगा। तो चलिए आज की शुरुआत हम शुरू करते हैं। तो साथियों, हमने अपनी बाइक को नीचे लगा दिया और हम बाइक को नीचे हल्का सा ऊपर आ चुके हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी हमने, कुछ ज़्यादा दूर नहीं आए हैं। हमारी जो ट्रैकिंग है ना, ऑलमोस्ट 400 या 500 मीटर की ट्रैकिंग है इस रास्ते की। और काफ़ी सारे आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रास्ता अच्छा है, रास्ता बना हुआ है, टाइल्स पड़ी हुई है। पहले आज से कुछ साल पहले रास्ता नहीं बना था, पर अभी रास्ता ठीक है। तो ये हमारा दूसरा दरबार है। पहला दरबार हम नीचे देख चुके हैं और इस दरबार से हमने अंदर जाना, और आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ की जो जिंदगी है ना, सुकून भरी है। पता क्यों? सब कुछ नेचुरली है, कुदरती है। और इधर पानी की एक बोली है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। वो सुना जाता है कि आज से लगभग 250 साल पुरानी है, और उधर से कुदरती नीचे से पानी निकलता है, और पानी का स्वाद ही काफी मीठा है। हम उस बोली के पास जाने की कोशिश करेंगे, अगर हमें मिली तो। ऐसे होगी, आसपास हम देखेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज छुट्टी का दिन है ना, आज संडे है। दरअसल मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, आज मेरा छुट्टी था, तो काफ़ी सारा रश पड़ा हुआ है। अभी ये मानने जाए कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोगों को रास्ता नहीं पता चलता है। मैं आपको लोकेशन बता दूंगा कैप्शन में, इसकी जो लोकेशन है आने की, रास्ता किस तरह से आया जा सकता है। तो उधर लंगर भी लगा हुआ है, हम देख सकते हैं सामने की तरफ। तो ये आंटी आनंद ले रहे हो पूरा, बिल्कुल। जय माता दी, जय माता दी। ये की ना बात, हाँ आप भी करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। अच्छा दीदी, आप मुझे बताएंगे, पानी की बोली है सुना मैंने, 200 से 250 साल पुरानी है, आप जानते हैं कहाँ पर है? एक्चुअली हम भी फर्स्ट टाइम आए, हमें खुद नहीं पता। जी, आप कौन सी जगह से हैं? हम रेशमगढ़ से। मैं अखनूर से हूँ। और दीदी आप? सेम। अच्छा, हम अपनी संगत से गए मेट्रो। हाँ, मेट्रो देख मैंने नीचे लगी हुई थी। जी जी, तो साथियों ये रास्ता है वो बोली का, जो कहा जाता है कि आज से 200 से 250 साल पुरानी है। हम आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे। पानी है आज की डेट में, ये मत सोचिएगा कि पानी नहीं है, पानी आज भी है, कम हो सकता है, पानी ठंडा ही है देखने से। क्योंकि मैं पाँव जहाँ पर रख रहा हूँ ना, वो ज़मीन काफ़ी ठंडी है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का तापमान भी ठंडा ही होगा। तो दोस्तों, इस समय मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं, मंदिर उस तरफ है मेरी, वो मंदिर को हम निकलते हैं तो माता रानी के थोड़ा सा हम प्रसाद पहले देख लेते हैं। तो भाई से बात करते हैं, भाई क्या हाल है आपका? भाई एक प्रसाद दे देना। कितना भैया? लो भाई, रास्ता ये ना। तो भाई ने हमें दे दिया प्रसाद, और भाई के पास काफ़ी सारा सामान है। इनकी दुकान सामने ही है, हमारी दाईं तरफ ही काफ़ी दुकान है, और इस तरफ भी आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा इधर से। तो बाकी का नज़ारा हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम दर्शन कर लेते हैं अंदर जाके। चलिए, तो मंदिर का गेट हम एंटर कर चुके हैं, अब हम चलेंगे धीरे 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 सीढ़ियों में। काफ़ी सारे लोग वापिस आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, लेट हो चुके हैं, चलते हैं।
मंदिर की सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, आप बोलोगे मैं थक जाऊँगा, कुछ नहीं है, हल्का सा रास्ता, ये ज़्यादा नहीं है, आसानी से अभी हम जस्ट चढ़े हैं, प्रसाद लिया है और थोड़ी सी सीढ़ियों पर तो रास्ता पहुँच लिया है। अंदर गुफा है, गुफा के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। जय माता दी दोस्तों। तो इस समय हम ऊपर पहुंच चुके हैं सीढ़ियों के, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गुफा का रास्ता है। तो अभी कुछ क्षण में अब हम अंदर की तरफ जाएंगे, अभी इस समय थोड़ा रश पड़ा हुआ है, तो जैसे रश का थोड़ा सा अरमान ले मिलता है तो हम अंदर की तरफ निकलते हैं। तो आपसे मिलते हैं गुफा के अंदर जाके। मंदिर में हम पहुँच चुके हैं इस समय, गुफा में रश है तो हमने सोचा थोड़े दोस्ती बना लेते हैं, तो भाई मिले हैं हमें, इधर बैठते हैं मंदिर के आसपास, इनका घर है, भाई से बातचीत करेंगे, थोड़ा अपना भी टाइम निकालेंगे। भाई क्या नाम है आपका? करण शर्मा नाम है भाई का। कहाँ रहते हो? देखिए ये शोवा देवी इसी गांव में रहते हैं, इस गांव का नाम शोवा ही है ना, ठीक है, इस गांव का जो नाम है शोवा ही है जी। आपको जो जगह की लोकेशन है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूंगा, देनी पड़ेगी क्योंकि आपको इधर आना है, कभी ना कभी तो आप आओगे। और काफ़ी देखिए जो मेरे को पहाड़ बना हुआ है, कुदरती है, कोई नहीं, आप वो लोग मत, मैन मेड है, आप देख सकते हैं, जो मैन मेड नहीं है सामने दिख रहा है। तो गुफा का नज़ारा भी कुछ इस तरह से है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन बता दूंगा। जो आपको अखनूर से भी आ सकते हैं और आपको जम्मू से डायरेक्ट आना है तो एक बलवाल कस्बा है, बलवाल कस्बे में झंडियाल से ऊपर रास्ता जाता है, तो मैं आपको बाकी जितना भी झंझट है मैं आपको दिखा दूंगा लोकेशन का। तो बाइक से तो हम मिल चुके हैं, बड़े क्यूट से भाई है हमारे साथ, करण शर्मा नाम है, कभी आओगे तो भाई अगर मिलेगा तो पक्का मिलना है, ठीक है। ये देखो एक नया दोस्त मिल गया है, क्या नाम है? नहीं बताओगे? अंजी। हेलो अंजी, वो कौन है वो देखो सामने? अंजी, अंजी एक और अंजी निकालो, उसको बुलाओ, बोलो अंजी आ जा, अंजी पकड़ो पकड़ो अंजी को पकड़ो, हाय करो, हाय हाय से, हाय हाय से, हाय करो दो फोन में, हाय करो वो देखो कौन आया फोन, हाय हाय करो, हाय हेलो से, हाय करो, हाय वाह, हाय आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश गुड बॉय। तो गुफा के अंदर एंटर करते हैं ना, सबसे पहले हमें श्री गणेश भगवान जी के दर्शन है, ये श्री ओम श्री गणेश है ना, साथ में बोले बाबा प्रणाम। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो नंदी जी, आ जाइए हम चलेंगे गुफा के अंदर, थोड़ा सा आपको हमें आराम से जाना पड़ेगा, आप चलो जब आएंगे तब जाना पड़ेगा, बस हमें अभी आराम से जाना पड़ेगा, हम चलते हैं। नमस्ते मंडी जी, जय माता दी पंडित जी। पंडित जी एक मेहरबानी करिए, सानू ना इस गुफा की इतिहास है ना जरा थोड़ा साझा कर लो साडे कन्ने, ताकि साडे जेहड़े मनोरंजन दिखा देना सानू लोग जानन और इस गुफा च ज्यादा कोला ज्यादा आन, उन्होंने पता लगा है कि साडे जम्मू विच भी कुछ ऐसी जगह है ना जो सानू आना चाहिए और जाना चाहिए जी। जय माता, शोआ माता दी गुफा विचा बोला करने हैं, और शोआ माता जी की बड़ी प्राचीन गुफा है, प्राचीन माता दी पिंडियां ने अंदर, तो इस जगह का कुछ है कि पता नहीं है, आम जिनके लोग जम्मू सिटी के जहाँ दाएं बाएं जिके रहते हैं उन्हें लोगों को पता नहीं इस जगह का, बल्कि हूँ थोड़ा थोड़ा लोगों को पता लगा करता है। और इतने गुफा के माता दी पांच पिंडियां ने,
ठीक है, और ये इनका दर्शन है, ये ना स्वा माता है, ये ना स्वा माता, और अगे ये वैष्णो माता है, अगे महाकाली माता है, फिर अगे लक्ष्मी माता है, और ये महा सरस्वती माता है। ये माता दियाँ प्राचीन पिंडियां ने थे, और लोगों ही इस चीज़ का पता नहीं है। नवरात्रि जिते मेला होंगे लोग आते हैं, बाकी आना चाहिए, माता का बड़ा सच्चा दरबार है और माता आशीर्वाद पाना चाहिए। ये लोगों ही नहीं पता, उन्हें भी अस इे सुनेहा दिने कि स्वा एक ऐसी जगह है, माता की गुफा है इतने, और बड़ी प्राचीन पिंडियां ने माता दी पांच पिंडियां कहा जाता है, मान्यता है तो अंजी और हमने दर्शन कर लिए हैं, ये हमारे साथ साथी है, हमारा साथी। तो मैं ना अंजी को ना मैं लड़का समझ रहा था, पर ये लड़की निकली वो तो प्यारी बहन हमारी छोटी सी। अंजी से हाय। हाय अंजी, ना खुद को ही निहारे जा रही है, वो देख रही है कि यार मैं कैसी हूँ। जय माता दी साथियों, गुफा के अंदर हम गए थे, एक छोटी सी कन्या से मिले, माता रानी के रूप में वो कन्या थी, अंजी नाम था उस कन्या का, और काफ़ी अच्छा लगा हमें उससे मिलकर और दर्शन करके। तो अभी हम जस्ट दर्शन करके निकले हैं बाहर, गुफा के अंदर अच्छा लगा काफ़ी। जैसे हम पांडव गुफा में गए थे ना, अंदर तापमान काफ़ी ठंडा था और इस गुफा का तापमान भी काफ़ी ठंडा था, और पंडित जी ने हमें अच्छे से बताया कि इस गुफा का जो था हमें आने का तरीका और रास्ता भी हम बता देंगे आपको किस तरह से आना है, और जगह काफ़ी अच्छी है। और आज का दिन, आज मैं संडे है, ऐतवार आज रविवार का दिन, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और गुफा के दर्शन कर रहे हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब आए हुए हैं। दोस्तों मंदिर के दर्शन तो कर चुके हैं, तो ये रास्ता ना कोई हम जगह पर नहीं जा रहे हैं, पर सुना है कि काफ़ी अच्छी जगह ऊपर देखने के लिए, तो अब रास्ता हम देखते हैं कैसे ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जा चलते हैं हम धीरे धीरे, हम भी आप भी आइए हमारे साथ, आपको भी चलिए चलते हैं ऊपर, रास्ता तो हमें मालूम नहीं, वैसे पहाड़ों की सैर हो जाएगी ना। वैसे मैं पहाड़ों पर नहीं रहता हूँ, मेरे घर प्लेन में ही है, पर फिर भी थोड़ा सा मुझे अंदाजा है कि पहाड़ों पर चला कैसे जाता है, अंदाजा ही है, रास्ता नहीं पता। पहुंच गए ऊपर तक, तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मंदिर के उस तरफ, मंदिर का दरबार है उस तरफ, मंदिर है, और ये ना जाने कहां पर हूं, ठीक है। एक ऊंची सी चोटी है, पर लोग आ रहे जा रहे थे, मैंने सोचा चलो हम भी देख आते हैं क्या है। एक माता रानी का झंडा लगा हुआ, तो मैं जाऊंगा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने जूते लगाए हुए हैं। तो दोस्तों दर्शन दर्शन करके एक हल्की सी ट्रैकिंग भी हमने कर ली, बड़ा ही मजा आया, और इस समय हम एक ऊंची सी चोटी पर बैठे हुए हैं, और पीछे की जो खाई है ना मत पूछो, देखना चाहोगे तो देखो, ये नीचे की मेरे पीछे की खाई है, और जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना ये लास्ट पत्थर है, और पता नहीं कब खिसक जाए, अटके मुझे छोड़े या बचाए वो पता नहीं है, पर हाँ
इस समय मैं पूरा आनंद ले रहा हूँ, हवा चल रही है, धूप है। इस समय जो टाइम होगा ना लगभग दोपहर के 1 बज रहा होगा, मैं टाइम नोट नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैं गैस लगाता हूँ, अंदाजा लगाता हूँ कि दोपहर का 1:15 हो रहा होगा। धूप इस समय चरण सीमा पर है, पर जो हवा है ना वो फिर भी ठंडी है। इस जगह पर मैं जब बैठा हूँ ना हवा ठंडी लग रही है, और पीछे का आप मैं देख रहा हूँ ये आसमान, ये पहाड़। मैं कोई पन्नी टॉप में नहीं हूँ, मैं अखनूर से ही लगभग कोई 15 किलोमीटर की रेंज पर हूँ, 15 या 17 इतनी रेंज होगी। है साथियों, जय माता दी। साथियों अब हम दर्शन करके सब कुछ जो हमारा ट्रैकिंग था जाने का आने का सब हो चुका है, और हम नीचे आ चुके हैं समय, और हम बाइक के पास खड़े हैं, अब हम निकलने की तैयारी में हैं। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा यात्रा पे आके, कोई हमें ज़्यादा परेशानी में दिक्कत नहीं हुई। आने जाने का रास्ता वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी अच्छी सी जगह पर, तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार करें, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।